हेलो बेटा, दक्षिणा के क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। ये लेक्चर बेहद सिंपल, बेहद ऐसा है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बना रहा है, और जो बातें आप ऑलरेडी पुरानी क्लासेज में अपने यंगर क्लासेज में पढ़ चुके हैं बेटा, उनसे थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा। चैप्टर प्रिडोमिनेंटली बहुत कुछ एक्सप्लोर करता है और हमने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सीखी। क्या क्या सीखी एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के काम करने का तरीका ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि हार्मोनल सिस्टम स्लो तो होता है लेकिन इसका एक्शन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। नर्वस सिस्टम का एक्शन फास्ट होता है लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो काफ़ी जो असर पड़ता है वो थोड़ा बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। तो ह्यूमन शरीर में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं, यानी इस तरीके से चलते हैं कि दोनों मिलके काम कर सकें। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो बॉडी एक प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के अंदर पहुंच जाती है। तो ये वाली कहानी थी हमारी नर्वस और हार्मोनल सिस्टम की। तो देखो यार, अपन यहाँ तक कर चुके हैं, फिनिश ऑफ अपना काम हो गया। तो लॉन्ग लास्टिंग हार्मोनल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, बॉडी में क्या झोल मचाता है, क्या खेल करता है, सब अपने को आता है। इसके साथ साथ और क्या सीखा कि एक्टोडर्म से बना ये, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये मैं अभी तक इवोल्यूशन नहीं कर पाया कि यानी ये कहाँ से आया, किसके अंदर कैसे कैसे था, अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें। तुम्हें ये भी नहीं पढ़ाया यहाँ पे, इसके बाद पढ़ाया था कॉम्पोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जाहिर सी बात है पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेडोमिनेटली आपको दो टाइप के सेल्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था भैया हमारा न्यूरॉन्स और दूसरे वाले थे न्यूरोग्लियल सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स आगे की कैटेगरी, एक मैक्रोग्लिया एक माइक्रोग्लिया। और अभी तक हमने न्यूरॉन की बात करी, न्यूरॉन की बात करी, न्यूरोग्लिया को अभी तक पढ़ा नहीं था। न्यूरॉन की बात करी, न्यूरॉन की बात के अंदर हमने न्यूरॉन की सेल बॉडी देखी, डेंड्राइट्स को देखा, एक्सॉन को देखा। सेल बॉडी के बारे में बात कर चुके हैं जिसको सोमा, पेरिकेरियन, ये सब इधर उधर की बातें उसको नाम दिया करते हैं। उसके अंदर बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर से सामान मिल जाता है जिसको अपन टर्म करते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स मॉडिफाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स हैं। और निसल ग्रैन्यूल्स पे अगर बेटा क्वेश्चन आता है तो तुम कहोगे कि ये मिलते हैं सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में, एक्सॉन में नहीं मिलते, एक्सॉन हिलॉक में भी नहीं मिलते, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम वैसे टाइप के निसल ग्रैन्यूल्स हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा इनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। निसल ग्रैन्यूल्स का ये बेसिक काम है। यहाँ तक ही कहानी अपने डन हुए, फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से। हमने फिर पढ़े कि जो हमारा एक्सॉन है वो अपनी टर्मिनल एंडिंग्स बनाता है, एक सिनैप्टिक नॉब्स बनाता है और दूसरा लेटरल ब्रांचेस बनाता है। ये लेटरल ब्रांचेस एंडप्लेट्स बना देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बेसिकली फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। फिर अभी आपको बताया था कि जब आप न्यूरॉन को देखते हो और इस एक्सॉन को देखते हो तो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग मिलती है। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग मिलती है दो चीज़ों की, एक न्यूरीलेमा और दूसरा माइलिन शीथ। और क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, पहला कवरिंग क्या थी, न्यूरीलेमा, दूसरा कवरिंग क्या है, माइलिन शीथ। इतना डन। तो दोनों में से कौन सी कवरिंग हमेशा मिलेगी, तो आंसर क्या होगा, न्यूरीलेमा, ऑलवेज प्रेजेंट। बट वेन यू लुक एट द केस ऑफ द माइलिन शीथ, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, एंड दैट्स माई केस, कि जो अपने पास माइलिन शीथ होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ गए मेरी बात? अगर तुम इतना बात समझ चुके हो तो यहां तक आपकी कहानी कंप्लीट होती है। अगर माइलिन शीथ होगी तो ऐसे वाले सेल को बेटा हम कहेंगे माइलिनेटेड सेल्स। क्या टर्म करते हैं, माइलिनेटेड सेल्स। अगर माइलिन शीथ है तो सेल्स को कहते हैं माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो ऐसे वाले सेल्स को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड सेल्स। तो ये माइलिन शीथ क्या है, क्या काम करती है, कौन बनाता है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सब बातें पड़ेगी। इधर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो और आपको यहाँ ना कोई भी माइलिन शीथ नहीं दिखाई दे रही। अब हम यहाँ पे क्या करना शुरू करते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन लेते हैं और इन दोनों न्यूरॉन को ना बेटा हम एक तरीके से देखना, क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकंड। इन दोनों को हम लोग इनकी डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। कवरिंग की बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन पे माइलिन शीथ और न्यूरीलेमा दोनों होगा। यहाँ पे न्यूरीलेमा, माइलिन शीथ, यहाँ पे जैसे आपको दिखा रखा है माइलिन शीथ एंड न्यूरीलेमा दोनों है, और नॉन माइलिनेटेड में ओनली एंड ओनली न्यूरीलेमा है, पहला चीज। अब जरा यहाँ पे फोकस करो, माइलिन शीथ है, इसको मेड्यूलरी शीथ भी कहते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ तक समझ आते हैं। फिर कल तो मैं सिखाया था बेटा, एक ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी बची हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं जो येलोइश येलोइश दिखाई दिया था ना अपन को, वो क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम अपने पास दो हैं, एक सेंट्रल दूसरा पेरिफेरल। तो अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दे के बात सुनेंगे, माइलिन शीथ है, शीथ का मतलब कवरिंग, यहाँ पे ऑब्जर्व करो। अगर अपने पास वर्ड आ जाता है शीथ तो अपन कहते हैं शीथ का मतलब क्या होता है, कवरिंग।
इतना तो अपने को समझ आता है, शीत का मतलब कवरिंग है। अब ये माइलिन शीत है कौन बनाएगा, कोई ना कोई सेल बनाएगा। तो अगर हम लोग CNS को ऑब्जर्व कर रहे हैं और PNS को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर आप CNS में देखते हो तो जो सेल्स यहाँ पे माइलिन शीत बनाते हैं वो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन से सेल्स हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर अपन PNS को ऑब्जर्व करते हैं तो जो सेल्स वहाँ पे बनाते हैं वो कौन से हैं? श्वान सेल्स। यही हमारी सारी के सारे गेम है। सेल्स जरूरी हैं समझना। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे तो वो CNS में बनाएंगे, श्वान सेल्स होंगे तो PNS में बनाएंगे। ये किसकी बात हो रही थी? माइलिन शीत की। तो आप मेरे साथ यहाँ पे एक पॉइंट देखिए इधर, चलो आगे बढ़ाऊँ, यहाँ तक तो डन हुआ। तो माइलिन शीत किसने सिक्रेट किया? मेरे ओलिगोडेंड्रोसाइट या श्वान सेल, डिपेंडिंग नर्वस सिस्टम कहाँ का है। अब जब इस स्ट्रक्चर में आप माइलिन शीत लगी हुई देखो, कहते मैंने ये माइलिन शीत बना दी, ग्रेइश से जो हाईलाइट कर लिया समझ लो ये माइलिन शीत है। तो माइलिन शीत ना बेटा कंटीन्यूअस कवरिंग नहीं होती, माइलिन शीत ना कुछ पैचेस की तरह होती है, एक पैच, दूसरा पैच, फिर तीसरा पैच, फिर चौथा पैच, ऐसे पैचेस की तरह। और पैचेस के बीच में आपको यहाँ पे क्या गैप्स मिलते हैं? गैप्स मिल रहे हैं, यानी गैप का मतलब होता है इनर्वेशन। बायो में या इंग्लिश में गैप के लिए वर्ड क्या यूज किया था? इनर्वेशन। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? गैप्स मिल रहे हैं। तो ये ना बात बहुत ही क्लियरली समझाई जाती है कि माइलिन शीत कुछ जगह पे गायब होता है, यानी वहाँ पे अपने को गैप्स मिलते हैं, और जहाँ पर ये गैप्स गायब होते हैं उन एरियाज को अपन टर्म करते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। क्या टर्म करते हैं? नोड्स ऑफ रणवीर। व्हाट आर नोड्स ऑफ रणवीर? दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर माइलिन शीत जो होगी वो क्या होगी? गायब होगी। ठीक, क्लियर हो गया पक्का? अब एक बात बताता हूँ बेटा, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें नर्व को, जो नर्व है इससे अपने को कंडक्शन करवानी है, तो नर्व कंडक्शन इज लाइक करंट कंडक्शन। करंट कंडक्शन यानी तार में से करंट इस तरीके से आगे बहता चलेगा, बहता जाएगा, बहने दे, पूरा बहता जाएगा। नर्व कंडक्शन ऐसे होती है, ये बात तो अपने को क्लियर होती है। बट आप यहाँ पे ना पॉइंट सीखें, अगर आप माइलिन शीथ लगा दें, अगर अपन माइलिन शीत लगा दें तो ये अपनी एक्सॉन है, ये इस तरीके से माइलिन शीत है। जो करंट है ना वो रेगुलर नहीं बहता, वो करंट ऐसे बहता है, जंप करेगा इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी करंट जंप करता 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 आगे चलेगा। और ऐसी कंडक्शन जो कॉन्टीन्यूस नहीं है, जो जंप करते हुए चल रही है, ऐसी कंडक्शन को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या टर्म करते हैं इसको, ऐसी कंडक्शन को? सॉल्टेटरी कंडक्शन। आपको समझ है सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन एक ऐसी टाइप की कंडक्शन होती है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में मिलती है, और उसमें करंट के जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके से जंप करते हुए होती है। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर? यहाँ तक तो डन। अब अगर मैं आपसे कहूँगा कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन में सॉल्टेटरी होती है तो अपने को समझ आता है। तो यहाँ पर ना बेटा हम लोग ना डिफरेंस कर रहे थे, और डिफरेंस हम लोग किस किस के बीच में बना रहे थे? इनके बीच में, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड के बीच में डिफरेंस बना रहे थे। माइलिनेटेड में कौन बना रहा है? नॉन माइलिनेटेड में तो माइलिन शीत है ही नहीं, वहाँ सिर्फ न्यूरिलेमा थी। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में एक और डिफरेंस आता है जब हम कंडक्शन की ना स्पीड की बात करते हैं और कंडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जो कंडक्शन होती है इधर माइलिनेटेड के अंदर, दिस इज नॉन कॉन्टीन्यूअस। कैसे? नॉन कॉन्टीन्यूअस। और नॉन कॉन्टीन्यूअस के नाम पे कैसे होते हैं? सॉल्टेटरी। सॉल्टेटरी यानी एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, यानी सॉल्टेटरी के नीचे मैं लिख देता हूँ जंपिंग कंडक्शन। और ये ऑब्जर्व करने में फास्ट दिखती है, समझेंगे। कॉन्टीन्यूअस जो आपके पास दूसरी वाली कंडक्शन है, कॉन्टीन्यूअस कंडक्शन होती है। हमें नॉन माइलिनेटेड में कंडक्शन का स्पीड बेटा स्लो मिलता है, और जब आपके पास माइलिनेटेड है तो कंडक्शन का स्पीड होता है जो फास्ट होता है, ऐसा देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक अटैच करूंगा एनिमेशन, जो एनिमेशन टोटल इंग्लिश में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़ी अच्छी एनिमेशन बना के आपको सिखा रखा है, तो उसको आप देखेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। कंसेप्ट दो वो हमारे सिलेबस का नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बट थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, 15-20 मिनट की वीडियो है, तो वो यहाँ पे करने लग गया तो आपका नीट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इंटरेस्ट के नाम पे आप लोग उस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हुई, आपको यहाँ पे माइलिन शीत के बारे में समझ आया बढ़िया से। अब जरा माइलिन शीत के बाद नेक्स्ट लेयर न्यूरिलेमा देखो।
ये न्यूरिलेमा है, क्या ये हमेशा मिलेगी? तो तुम कहोगे यस। चाहे आप CNS में देखिए, चाहे PNS में देखिए, चाहे कोई मर्जी न्यूरॉन में देखिए, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड, अपने को न्यूरिलेमा तो भैया मिलेगी मिलेगी। अब माइलिन शीथ बनाने के लिए जो सेल था, अगर CNS में देखें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट था, और अगर PNS में देखें तो श्वान सेल था। लेकिन जो ये न्यूरिलेमा है, ये न्यूरिलेमा हमेशा हमेशा कौन बनाता है? श्वान सेल बनाता है। कौन बनाएगा? श्वान सेल। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा, द श्वान सेल इज ए सेल विच इज ऑलवेज एवरीवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरिलेमा। अपने को कहानी क्लियर हो गई? देखो माइलिन शीथ CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट बना रहा था, PNS में श्वान सेल बना रहा था, लेकिन न्यूरिलेमा श्वान सेल ही बनाता है, चाहे PNS की बात करें चाहे CNS की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? पक्का डन? तो बेसिकली एट सिंपल्स आपको डायग्राम दिखा रखा, कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम की। तो आपको ये वाली कहानी जो मैं बतानी थी मैं बता चुका हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये जो मैंने बात बताई है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से दिमाग में घुस चुकी है, एकदम अंदर तक जा चुकी है। यहाँ तक डन हो गया? तो सेल्स के नाम पर न्यूरॉन निपटा दिया, न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन की क्वालिटीज निपटा दिया आपने। डेंड्राइट्स एग्जैक्टली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम एक्सॉन की बात करते हैं और डेंड्राइट्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा कुछ चीज़ें, वर्ड आपको सिखाने हैं, अफरेंट एंड एफरेंट। अफरेंट एंड एफरेंट वर्ड ना बेटा आपने सबसे पहले सीखा था जब आपने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा था। Afferent and efferent को ला और ले कहते हैं, जो लेके आ रहा है ला और जो लेके जा रहा है ले। तो afferent ये कौन होते हैं? Dendrites। और dendrites afferent होते हैं, तो बाहर से सिग्नल ला के लेके आते हैं, बाहर से ले आ रहे हैं, ला कहते हैं ला मेरे को। और exon है वो आगे भेज रहे हैं, भाई तू ले ले आगे चले जा, समझे? तो ये afferent और efferent की कहानी है। afferent क्या, efferent क्या, ये आपको समझ आ गया ना? तो afferent और जब efferent की कहानी की बात करते हैं, तो हम सीधा सा बोलते हैं afferent and efferent ऐसा arrangement है, afferent के अंदर dendrites होते हैं, efferent के अंदर exon होते हैं। बेटा dendrites हमेशा sensory होते हैं, sensory का मतलब sensation लेते हैं, और exon के लिए word ना use हो जाता है motor, but मैं use ही नहीं करूँगा ये word यहाँ पर, don't worry। क्यों नहीं करूँगा समझाऊंगा बाद में। आपने को यहाँ पे समझ आ गया? क्लियर? ये वाली बात बेसिक डन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको कुछ और बताऊंगा, जरा आप देखो, टाइप ऑफ न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन के अंदर एक होता है अपने पास सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा होता है अपने पास मोटर न्यूरॉन। कौन सा है? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या, मोटर न्यूरॉन क्या, ये अपने को सीखना। सेंसरी न्यूरॉन जाहिर सी बात है क्या करता है? ब्रिंग सेंसेशंस। क्या लेके आ रहा है? सेंसेशंस लेके आ रहा है। दे आर ब्रिंगिंग दी सेंसेशंस। जब ये सेंसेशंस लेके आते हैं, तो हमारी बॉडी में जो सबसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी टिश्यूज हैं, कहीं पर भी वहाँ पर सेंसरी ये ब्रिंग सेंसेशंस, और कहाँ किसकी तरफ लेके आते हैं? टूवर्ड्स दी CNS, टूवर्ड्स दी CNS। समझाता हूँ अभी। मोटर न्यूरॉन देखो इधर, ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ ये एसोसिएटेड स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं ब्रेन एंड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंडीशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे स्किन है। अब स्किन से क्या हुआ, आपने किसी ने यहाँ पे आपको हुआ टच, तो टच होने के बाद एक न्यूरॉन सिग्नल इधर लेके जाएगा। जब सिग्नल इधर लेके जाए, तो टच क्या हुआ कि कोई बहुत ही गर्म गर्म कप, पानी का, चाय का कप आपने टच किया, तो जल्दी से सिग्नल ना ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, दोनों में से कहीं पे भी जाएगा। कहाँ जाएगा ये अपनी टेंशन नहीं, लेकिन जाएगा टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब ये वाला जो न्यूरॉन होगा, ये होगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इट इज टेकिंग टूवर्ड्स द CNS। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वापस अब अपने पास बॉडी के पास कहीं एरिया पे, या मसल के पास या किसी एरिया के पास ना सिग्नल भेजेगी। हाथ पीछे कर लो, जैसे आप क्या करते हो, आपने एक टच किया गरम गरम कप, अगर आपने गरम गरम कप टच किया, तो सेंसरी न्यूरॉन जल्दी से सेंसेशन लेके गया टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन, यानी CNS की तरफ सेंसेशन लेके गया। CNS ने उसको वो किया मैनिपुलेट, या फिर कहते हैं प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके सिग्नल भेजा हाथ की मसल्स को कि हाथ पीछे कर लो, ये गर्म है, हाथ जल जाएगा। तो अब जो
न्यूरॉन सीएनएस से सिग्नल लेके आ रहा है इफेक्टर ऑर्गेन की तरफ। इस न्यूरॉन को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। यानी व्हाट इज अ मोटर न्यूरॉन? दिस ब्रिंग्स द सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ये सिग्नल लेके आता है। ये वाला कौन सा हुआ? मोटर न्यूरॉन। तो आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन समझ आ गए। अब सेंसरी न्यूरॉन को ना बेटा ऑफरेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग टूवर्ड्स द सीएनएस। ला सीएनएस बोलता है कि ला मेरे पास लेके, और सीएनएस उसके बाद कहता है मोटर को कि ले जा मेरे से लेके चल जा। इसलिए मोटर को इफरेंट भी बोलते हैं। समझ आई? क्लियर सी बात है। तो यहाँ तक कहानी फुल एंड फाइनल डन। आपको एक और बात बताता हूँ बेटा, हम ना जब एनिमल सेल्स देखते हैं तो हमें ना एक चीज़ रियलाइज होती है कि एनिमल सेल्स में ना एक चीज़ की प्रेजेंस होती है, और उस चीज़ को अपन लोग टर्म करते हैं सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स में किस चीज़ की प्रेजेंस है? सेंट्रियोल की। और ये जो सेंट्रियोल है ये सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। हमने ये बात सेल डिविजन चैप्टर में पढ़ी है। तो अब यहाँ पर देखने में हमें क्या मालूम लगता है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जब न्यूरॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, या मतलब जैसे बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं? देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बड़े ध्यान से बताता हूँ। सेंट्रियोल डिवाइड कर रहा है, सेंट्रियोल डिवाइड करने में मदद कर रहा है। अगर एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल है तो डिविजन होती है, क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्री फाइबर बनाता है। अब कंडीशन क्या है कि ये जो न्यूरॉन है इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होता है तो न्यूरॉन कभी ना डिवाइड नहीं कर पाता। तो अगर एक इंसानी शरीर में न्यूरॉन खराब हो जाए ना बेटा, तो कभी भी न्यूरॉन रिपेयर नहीं होता। बेसिकली न्यूरॉन कभी मर जाए तो नया न्यूरॉन उसकी जगह नहीं आता, क्योंकि टेक्निकली न्यूरॉन डिवाइड करके नया न्यूरॉन नहीं बनाता। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जब हमने अपने ब्रेन में देखा, तो ब्रेन में या नर्वस सिस्टम, नॉट जस्ट ब्रेन, पूरे नर्वस सिस्टम में देखा, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, तीनों, यानी पूरा सीएनएस एंड पूरा पीएनएस देखा, तो हमें दो टाइप के सेल्स दिखाई दिए। एक हमारा सेल था जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, और दूसरा जो हमारे पास सेल होता है ना बेटा, वो होता है सपोर्टिंग सेल। और सपोर्टिंग सेल में हमारे पास कौन सा आता है? न्यूरोग्लिया। आउट ऑफ द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंप्लीट नर्वस सिस्टम, सपोर्टिंग सेल्स ना 55% ऑफ द कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है। परसेंटेज न्यूरॉन से ज़्यादा है, लेकिन इनका मेन काम ना बेटा सिर्फ सपोर्ट का है। और अगर इनका सपोर्ट का मेन काम है तो आइए इनकी डिटेलिंग्स देखते हैं। सबसे पहला है न्यूरोग्लिया। तो क्या है भाई ये न्यूरोग्लिया? देखो न्यूरोग्लिया एक ऐसा सपोर्टिंग सेल है जिसको आगे दो कैटेगरीज में डाला गया, माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया। इतना समझ पा रहे? कौन कौन सा? माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया। और ध्यान से देखो, ये माइक्रोग्लिया ना, मैं वर्ड तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हमारी बॉडी में मैक्रोफाजिस होते हैं, ये बात हम समझते हैं। जब अपनी बॉडी में जो मैक्रोफाजिस मिलते हैं उनका काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करना। ये स्टेटमेंट सही। मैक्रोफाजिस आपकी बॉडी में मिले उनका काम था फेगोसाइटोसिस करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरी बात सुनो कि जब आप नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम के अंदर देख रहे हो, तो इस नर्वस सिस्टम में भी कुछ मैक्रोफाजिस मिलते हैं, और ये मैक्रोफाजिस क्या होते, कौन से होते हैं? माइक्रोग्लिया। ये फेगोसाइट्स यानी मैक्रोफाजिस दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। इतना क्लियर? एक मुझे बात बताइए बेटा, ये जो अपना नर्वस सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये कहाँ से आया, कौन से जर्म लेयर से है? तो आप इसका आंसर करोगे, ये आया एक्टोडर्म से। लेकिन इस नर्वस सिस्टम का पार्ट, इसी नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ना माइक्रोग्लिया, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा। ये वाला माइक्रोग्लिया बेटा अपने आप में क्या है? एक मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फाई इज फाज एंड ए मैक्रो, ऐसे लिखने का तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म, मैक्रो, इट इज़ अ मैक्रोफाज। और ये मैक्रोफाज कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कनेक्टिव टिश्यू बनता है वैसे ही बनता है। इसलिए कहाँ से मिलता है अपने को? मीजोडर्म्स। और ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मीजोडर्मल। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मली डिराइव होता है, ये माइक्रोग्लिया कैसे डिराइव होता है? मीजोडर्मली डिराइव होता है। क्लियर होगी मेरी बात? यहाँ तक तो डन। नेक्स्ट देखो मैक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया ये है, इसके दो सेल्स हैं, एक एस्ट्रोसाइट और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट आप अभी पढ़ चुके हो, ये क्या सिक्रीट करता है? माइलिन शीथ को। और माइलिन शीथ को सिक्रीट करता है कहाँ पर? करता है सीएनएस के अंदर। यानी सिक्रीट माइलिन शीथ
इन दी सी एन एस. सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपको कोई न्यूरॉन मिलेगा जिसके ऊपर माइलिन शीथ पड़ी होगी तो वो माइलिन शीथ कौन बनाएगा? बेसिकली ओलिगो डेंड्रोसाइट वो वाली माइलिन शीथ. डन. नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट जरा ध्यान से देखो. एस्ट्रो वर्ड एस्ट्रोलॉजी से आया, ये एस्ट्रोनॉमी से आया. एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं और इन दोनों ब्रांचेस के अंदर बेसिकली हम प्लैनेट्स के बारे में, इन ब्रांचेस के अंदर स्पेसिफिकली हम स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं. बट अब व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड अ स्टार, इस तरीके से स्टार, तो स्टार से रिलेटेड वर्ड आपको मिल जाता है एस्टर. पढ़ा है ना आपने एस्टेरिया स्टारफिश, और यहाँ पे आप एस्ट्रो. ये सब के सब वर्ड किससे रिलेटेड है? स्टार से. और जब मैं एस्ट्रो साइट लिखूंगा तो क्या ये बात मुझे ऑब्वियसली अंडरस्टूड होगी कि अगर कोई सेल एस्ट्रोसाइट के लाएगा तो जाहिर सी बात है उस सेल का शेप कैसा होगा? स्टार जैसा. तो यहाँ लिखा है इनकी शेप कैसी होती है? स्टार शेप्ड. हमारे नर्वस सिस्टम में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स को ना अपना काम करना है, ये बात हमें समझ आती है. न्यूरॉन्स को अपना काम करना है. जब न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं तो कोई भी सेल बेटा जब अपना काम करता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनाते हैं, कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, इन सब चीज़ों की. तो ये सब पूरी कैसे होती है ये अपन देखते हैं. ज़रा आप यहाँ पे मेरे साथ देखिएगा, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ. ये एक न्यूरॉन है जो हमारा स्टार है. स्टार इन द सेंस मतलब स्टार नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है. ये न्यूरॉन बैठा है बेटा इधर, और न्यूरॉन ना यहाँ पर कहता है कि भैया मुझे इधर ये ब्लड जा रहा है, इधर ये ब्लड वेसल है, और न्यूरॉन कहता है कि मैंने इस ब्लड वेसल में जो खून है ना, मुझे इस खून से ना भैया कुछ सामान चाहिए, मुझे खाना चाहिए और मुझे कुछ और भी सामान चाहिए, मुझे एक तो फूड चाहिए, और फूड के साथ साथ लिख देता हूँ मैं तुम्हें कि इस न्यूरॉन को यहाँ से फूड लेके आना है. ठीक है, न्यूरॉन यहाँ से फूड लाएगा, प्लस न्यूरॉन फूड के साथ साथ यहाँ से ऑक्सीजन लाएगा, और न्यूरॉन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे चले जाना चाहिए. राइट. अगर न्यूरॉन ये सब चीज़ें ब्लड के साथ एक्सचेंज करना है ना, तो मुझे ऐसा कह देना चाहिए कि न्यूरॉन ये सब चीज़ें डायरेक्टली ब्लड के साथ एक्सचेंज करता है. मैं कहूँगा नहीं, न्यूरॉन ये सब चीज़ें डायरेक्टली ब्लड के साथ कभी भी एक्सचेंज नहीं करता. आप अगर बेटा न्यूरॉन को देखो, आप जरा गौर करो, मैं आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ा चुका हूँ. अगर नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ाई थी ना, तो न्यूरॉन के आसपास ना ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, और बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटाशियम होता है, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, ये सब चीज़ अपन ने पढ़ी. उधर से पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम बाहर से अंदर आया, पोटाशियम अलग टाइम पर बाहर गया, ये सब प्रोसेसेस चलते रहते हैं. अगर ये सब प्रोसेस अपने चलते रहते हैं तो ड्रैगन फ्लाई आ गई. अगर ये सब प्रोसेसेस चलते रहते हैं तो कंडीशन क्या होती है जरा अपन देखेंगे. सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है, ये सब कंडीशन चल रही है. ये कंडीशंस एक एक्सॉन के आसपास चल रही है जब आपके पास ना इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है. तो हम कहते हैं कि एक एक्सॉन के आसपास ना इस तरीके से बाहर तो कोई तो फ्लूइड होगा जिसके अंदर ये सोडियम और पोटेशियम होगा, एंड जिसकी वजह से ये सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट होगा इस तरीके से. यानी अब मैं ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया न्यूरॉन का बनाया. अब कंडीशन क्या होती है ना बेटा, जब ब्लड वेसल में से एक ब्लड वेसल में से जब प्लाज्मा बाहर निकलता है तो उस प्लाज्मा के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं. जब उस प्लाज्मा के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं तो वहाँ पर ना अपने को एक प्रॉब्लम हो जाती है. और प्रॉब्लम क्या होती है ये अपन बात यहाँ देखें. प्लाज्मा के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स समझ लो ये प्लाज्मा के साथ आते हुए इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आके घुल गए तो इस फ्लूइड के अंदर सोडियम पोटेशियम की जो वैल्यूज हैं बेटा उसको बिल्कुल मिसमैनेज कर सकते हैं. आप सोचो यहाँ पर मैं रेड रेड जो डॉट लगा रहा हूँ वो समझ लो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो प्लाज्मा की मदद प्लाज्मा के थ्रू आ रहे हैं. प्लाज्मा के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो भैया तहलका मचा देंगे, गड़बड़ कर देंगे. इसलिए ना ये न्यूरॉन ना डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकता. तो अगर न्यूरॉन पूरा का पूरा ऐसे ब्लड के कॉन्टैक्ट में रह सकता तो न्यूरॉन ये सब चीज़ें कैसे एक्सचेंज करेगा, ये मेरी डाउट है. आप समझ गए मेरा डाउट? ये न्यूरॉन ये सब चीज़ें किस तरीके से एक्सचेंज करेगा,
कौन मदद करेगा न्यूरॉन को इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करने में, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो अगर न्यूरॉन को इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करना है तो न्यूरॉन यहाँ पे एक मदद लेगा एक सेल की, जिस सेल को कहते हैं एस्ट्रोसाइट। अब ये एस्ट्रोसाइट जो है इस फूड और वेस्ट मटेरियल को न्यूरॉन क्या करता है, एस्ट्रोसाइट की मदद से ये न्यूरॉन अपने इन सब मटेरियल को क्या करता है, एक्सचेंज करता है ब्लड के साथ। मैं यहाँ पे ज़रा एस्ट्रोसाइट को हाईलाइट कर दूँ, तो अगर मैं एस्ट्रोसाइट को यहाँ पे बेटा हाईलाइट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि इधर से फूड, इधर से ये फूड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और बाकी जितनी चीज़ें सब न्यूरॉन के पास आ रही हैं, और न्यूरॉन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट वापस जो ब्लड के अंदर जा रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सब का सब वापस ब्लड में जा रहा है एस्ट्रोसाइट की मदद से। समझिए, तो एस्ट्रोसाइट इज टेक्निकली मेकिंग अ बैरियर बिटवीन, सीधी सी बात, ब्रेन, ब्रेन यानी न्यूरॉन, न्यूरॉन और ब्लड के बीच में। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ ब्लड, तो ये जो अपना येलो कलर से हाईलाइटेड एस्ट्रोसाइट है वो एक प्रोटेक्टिव, एक अच्छा, एक बढ़िया वाला बैरियर बना रहा है न्यूरॉन और ब्लड के बीच में। तो हम कहते हैं कि जो ये एस्ट्रोसाइट होता है दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बना रहा है, ये बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को हम समझते हैं कि एक ऐसी कवरिंग और एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसा लेयर जो ब्लड और न्यूरॉन के बीच में है, जो न्यूरॉन को डायरेक्टली सप्लाई करने की जगह फिल्टर करके प्रॉपर तरीके से सप्लाई करने में मदद कर रहा है, ताकि न्यूरॉन इफेक्टिवली काम कर सके। अपने को ब्लड ब्रेन बैरियर क्लियर हो गया। तो एक कौन बनाता है, BBB, अगर कहीं पर लिखा हुआ BBB, जैसे यहाँ पर आपके लिए लिखा है, तो BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। ये स्टार शेप होते हैं, ये फिजिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट न्यूरॉन को प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सपोर्ट भी न्यूरॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन, एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्लियर, एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पर अपने डन। इसके अलावा हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स में और कौन से होते हैं, एक होते हैं बेटा एपेंडाइमल सेल्स और दूसरे होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इनके बारे में एनसीईआरटी कुछ खास मेंशन करता नहीं, सिंपल सी बात तो मैं बताऊंगा। एपेंडाइमल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर मिलने वाले कैविटीज़ में मिलते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है ना, अंदर से खोखला होता है, क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है, खोखला होता है। और उस खोखले एरिया में समझ लो जैसे आपका रूम, आपके रूम, रूम की जो वॉल्स है ना, कमरे की जो दीवारें हैं, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, और बीच में से रूम खाली है ना, इसी तरीके से ब्रेन भी बीच में से खाली है। तो आप जिस रूम में बैठे हैं वो है रूम, ब्रेन के बीच की स्पेस। अगर इस तरीके से ऊपर से छत देखोगे ना तुम लोग, तो जो छत होगी इस ब्रेन की, रूफ की, इस छत में जो सेल्स मिलेंगे वो वाले सेल्स कौन से होंगे, एपेंडाइमल सेल्स। तो पहला पॉइंट, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स दैट लाइन द कैविटीज ऑफ द ब्रेन। पहला पॉइंट, एपेंडाइमल सेल्स कैन बी स्क्वामस एज वेल एज दे कैन बी कॉलमनर इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दे कैन एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट CSF। CSF क्या होता है समझो, ब्रेन अंदर से खोखला है, ये बात हमें समझ आ गई। अगर ब्रेन अंदर से खोखला है तो खाली है, यानी ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स की प्रेजेंस है, ये बात अपने को क्लियर है, डन है। तो अब आप यहाँ पे जरा अच्छे से फोकस कीजिएगा, अंदर से जब वेंट्रिकल्स खाली हैं तो इस खाली स्पेस में ना बेटा एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या टर्म करते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या इसको टर्म करते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो फ्लूइड है, वो आपके पास फ्लूइड जो ब्रेन के इस खाली कैविटीज यानी वेंट्रिकल्स में भरा हुआ है। तो ये एपेंडाइमल सेल्स इस CSF को एब्जॉर्ब और कभी कभी सिक्रीट करने में मदद भी करते हैं। कहानी क्लियर। नेक्स्ट बेटा यहाँ लिखी लाइन लिखी है प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद कोरोइड प्लेक्सस, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, देखो मेरे साथ। आप जब ब्रेन को स्टडी करते हैं ना, तो बेटा ब्रेन में कुछ एरियाज हैं जैसे पिट्यूटरी, जैसे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। हम जब ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, ये तीन आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद इन द ब्रेन इटसेल्फ मिल जाते हैं। यानी ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं जिनके पास सिक्रीशन का काम है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो सिक्रीट कर सकते हैं कोई चीज़, स्पेसिफिकली यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात कर रही है, कोई बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर सकते हैं या हॉर्मोन या एंजाइम,
तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो क्या हुए न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, ये ऐसे सेल्स हुए जो रिलीज कर रहे हैं किस किस को रिलीज कर सकते हैं, हॉर्मोन्स को या एंजाइम्स को अपने से बाहर। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस। इसका एग्जाम्पल अपने पास हुआ पिट्यूटरी। इसका एग्जाम्पल हुआ पीनियल ग्लैंड। ये सब के सब ब्रेन के वो वाले हिस्से हैं। मस्त, क्लियर हो गया ये वाली बात। यहाँ तक कहानी डन, न्यूरॉन्स के बारे में समझ लिया हमने, जितने सपोर्टिंग सेल्स हैं उनके बारे में समझ लिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर अपने को समझ आते हैं। अभी तक ना बेटा नर्वस सिस्टम की कॉम्पोजिशन क्या है, हम लोग इसी पार्ट को देख रहे हैं। कॉम्पोजिशन में हमें दो टाइप के सेल्स मिलते थे, इन दोनों टाइप के सेल्स में से हमने एक सपोर्टिंग सेल्स देख लिए, एक न्यूरॉन्स देख लिया, और यहाँ तक के तो कहानी डन 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 एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया से होगी ना। अब इसके बारे में एक थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखना है, और एक्स्ट्रा पॉइंट देखने के दौरान मतलब क्या बताना है आपको, इस पॉइंट को जरा फोकस कीजिएगा। हम लोग जब एक शरीर में अपने शरीर में न्यूरॉन्स को देखते हैं, तो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में एक्सॉन है, डेंड्रॉन है और सेल बॉडी है, ये बात समझ आती है। अब ये जो न्यूरॉन्स के अगर और स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें ना, यानी न्यूरॉन्स का ही स्ट्रक्चर डिटेल में देखने लगे, तो न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। अभी तक आपने जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा है ना, पढ़ा है, तो वो ये है जो मैं आपको इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। This is the roughly structure of a neuron that you have normally seen. कुछ ऐसे वाला structure NCERT ने भी बना दिया है, तो आपको समझ आता है कि न्यूरोन का ऐसा structure हो सकता है, और यहाँ पे इसके बीच में न्यूक्लियस, dendrites भी हो गया, सेल बॉडी भी हो गया, ये सब भी हो गया। ये न्यूरोन का जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या एक इंसानी शरीर में या नॉर्मल जानवरों की अगर बात करें, तो उसमें अंदर सबके सब न्यूरोन्स ऐसे ही मिलेंगे? इस लेसन में कुछ नहीं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में बेटा आपको देखो मल्टीपल शेप ऐसे दिखाई दे रही है। ये शेप जो हम नॉर्मली देखते हैं, ये शेप के बारे में हमें एनसीईआरटी बोलती है, बट इसके अलावा आप ये वाली आप शेप देख सकते हो, आप यहाँ पे ये डिफरेंट होती हुई अजीब सी शेप देख सकते हो। ये डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको मिल सकती है अगर आप न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। तो इन शेप्स को समझते हुए हमारे अंदर न्यूरॉन्स को 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। पहली कैटेगरी मल्टीपोलर, दूसरी कैटेगरी बाईपोलर, तीसरी कैटेगरी यूनिपोलर, चौथी कैटेगरी नॉन पोलर, और पांचवी सूडो यूनिपोलर। बहुत सिंपल है, एक बार समझोगे ना सब कहानी क्लियर हो जाएगी। वर्ड्स हैं पोल, अर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो बेटा अगर कभी हम वर्ड देते ना पोल, तो पोल बेसिकली क्या समझाता है, एंड्स, किसी चीज का सिरा, किसी चीज का एक एंड पॉइंट। तो अब यहां पे नाम दे रहे हैं मल्टी पोलर, तो मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल एंड्स। आप देखो एक एंड, दो, थ्री एंड, चार एंड, पांच एंड, छह एंड, सात एंड, क्या आपको मल्टीपल एंड्स मिल रहे हैं? यस। अगर इस किस्म से आपको मल्टीपल एंड्स मिल रहे हैं, तो आप यहां पे स्पेसिफिकली, चलो इन दोनों को भी अलग अलग मत बोलो, आप बोलो ये पूरा का पूरा एक एंड है, तो ऐसे आपको मल्टीपल एंड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे हम ऐसे वाले न्यूरॉन को टर्म करते हैं मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर का कंडीशन क्या है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसके पास बहुत सारे डेंड्राइट और एक एक्सॉन होते हैं, तो बहुत सारे डेंड्राइट्स प्लस एक एक्सॉन मिलके मल्टीपल एंड्स बनाते हैं, तो आपके पास मल्टी न्यूरॉन मिल गया, मल्टीपोलर मिल गया। अब ब्रेन में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, ये सारे के सारे मल्टीपोलर होते हैं। डन। नेक्स्ट देखो बाईपोलर। अगर आपको बाईपोलर सोचना है, तो आप खुद का से दिमाग लगाओ कि हमारे पास ये सेल बॉडी हुई, इधर से इस तरीके से एक डेंड्रॉन, और इधर से एक एक्सॉन, यानी दिस इज डेंड्राइट एक, और दिस इज एक्सॉन एक, एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन, तो दो पोल्स हुए ना, पहला पोल दूसरा पोल, यानी दो एंड्स हुए। ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बाईपोलर। देखो इट हैज वन मेन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, एक मेन डेंड्राइट और एक एक्सॉन, तो जाहिर सी बात है बेटा ये किस तरीके से होगा, बाईपोलर होगा। द मेन डेंड्राइट देन ब्रांचेस फर्दर, दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, इनर ईयर
एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन का जो हिस्सा स्मेल के साथ एसोसिएटेड होता है उसको ऑल्फैक्टरी एरिया कहते हैं। रेटिना ऑफ द आई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से वेवी से अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर बाईपोलर मिलते हैं। पहला वाला डायग्राम देखो, ए वाला मल्टीपोलर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो मल्टीपोलर के अंदर एक एग्जॉन मल्टीपल डेंड्राइट्स, दूसरा बाईपोलर एक डेंड्राइट एक एग्जॉन। डेंड्राइट आगे जाके कर गया होगा ब्रांचेस, वी डोंट केयर। हमने यहाँ पे ब्रांच, ये बेटा ये इंडिविजुअल, दिस इज नॉट अ ब्रांच, ये इंडिविजुअल डेंड्राइट्स हैं, अलग अलग डेंड्राइट्स हैं। अब मैंने इसको भी कहा, इसको एक ही माना, इन ब्रांचेस को मैं अलग अलग नहीं मान रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं इसको एक ही एग्जॉन मान के चल रहा हूँ, समझ गए। अब यहाँ पे ब्रांचेस होने से तुम कहोगे कि सर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इधर इस वाले केस में ब्रांचेस होने से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, एक मेन ये स्ट्रक्चर है, एक मेन अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर है। कहानी अपने को क्लियर हो रही है, पकड़ है। यूनिपोलर, ध्यान से देखो, दे हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एग्जॉन, दे हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एग्जॉन दैट इमर्ज फ्रॉम द सेल बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, यूनिपोलर में आप ध्यान से देखिएगा, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इस पे पॉइंट, ये पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट पे कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिपोलर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा। आप अगर बेटा यूनिपोलर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यूनिपोलर, जैसे वहाँ पे डेफिनेशन दी है, मिसलीडिंग सी डेफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बना के दिखा देता हूँ। ये अपने पास यूनिपोलर हो, जिसके अंदर ये अपने पास एग्जॉन, एग्जॉन है, तो यहाँ पे अपने पास डेंड्रॉन कोई है नहीं, यहाँ पे डेंड्रॉन नहीं है, बस यहाँ पे ना कुछ छोटे, अरे यार डेंड्रॉन नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांचेस दिखने शुरू हो जाती है। देयर इज नॉट अ सिंगल डेंड्रॉन बट मल्टीपल ब्रांचेस दैट सीम आउट ऑफ अ डेंड्रॉन, तो इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस टाइप दिखना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं नो डेंड्रॉन, यानी नो डेंड्राइट्स बट ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को तो एक इंडिविजुअल यूनिट तो माना नहीं जाता, तो यूनिट के नाम पे सिर्फ एक एग्जॉन यूनिट है, तो आपके पास ये बना यूनिपोलर। बेटा जो मैंने डायग्राम्स बनाया ना, ये मल्टीपोलर के, ये बाईपोलर के, ये वाला डायग्राम यूनिपोलर का, इसको अपने पास बना लीजिएगा। ए पोलर कैसा होता है, इस तरीके से, जिसमें ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस मिलनी शुरू हो जाती है। अब कौन सी एग्जॉन की तरह काम कर रही है, कौन सी डेंड्रॉन की तरह, नो आईडिया। ये वाला होता है ए पोलर। अब ए पोलर कंप्लीट, यूनिपोलर कंप्लीट, यहाँ पे मल्टीपोलर कंप्लीट, यहाँ पे बाईपोलर कंप्लीट, लास्ट वाली कैटेगरी पढ़नी है सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर था तो ऐसा होना चाहिए, इससे एक निकलना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ना जाके बेटा इस तरीके से इसकी बड़ी बड़ी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, जो देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इसकी दो ब्रांचेस हैं, बट असलियत में है कितनी, हम कहेंगे असलियत में एक ही थी, लेकिन बाद में जाके दो मेन बड़ी बड़ी ब्रांचेस बन गई, एक ये साइड बन गया और एक अपने पास एक साइड ये बन गया। तो ये वाला कैसा होगा, स्यूडो यूनिपोलर। तो स्यूडो यूनिपोलर क्या है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई, सिंपल है ना। तो सूडो यूनिपोलर के अंदर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो हमें इस तरीके से दो ब्रांचेस बनी हुई यहाँ पे दिखाई देती है, ये अपने पास सूडो यूनिपोलर अरेंजमेंट। बोलो बात क्लियर हुई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो है तो मेन एक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक तरफ ये बन जाता है एक तरफ ये बन जाता है, ये सूडो यूनिपोलर। अब आपको क्या याद करना है यहाँ पे, मैं बेटा अंडरलाइन जो जो पॉइंट्स को याद कर दे रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में मिलता है, सूडो यूनिपोलर नाइडेरिया में मिलता है। याद है आपको पहली बार जब हाइड्रा के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था, आपको नर्व नेट मिला था, तो बेसिकली वहाँ पे ऐसे ये वाले आपको नॉन पोलर मिले थे। सूडो यूनिपोलर मिलता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये लाइन, ये वर्ड अभी अपने को समझ नहीं आएगा जब तक हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ लेते, तो अभी के लिए काम चला लो, बात की कहानी। जो जितने भी आपके पास ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया होता नहीं, डॉर्सल रूट क्या होता है, वेंट्रल रूट क्या होता है, सब समझेंगे अपने को, कोई खास टेंशन नहीं लेनी। बस अभी आपको एग्जांपल्स मैंने अंडरलाइन कर दिए, इन एग्जांपल्स को लिखिए, नाम लिखो, एग्जांपल लिखो, और फोटो जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है बेटा, ये वाली फोटोज आप खुद ब खुद बना लेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक बात अगर डन हुई तो अब आप देखिए मसल, मसल क्यों बढ़ा रहा हूँ, कुछ पॉइंट समझाना जरूरी। मसल के बारे में बात करते हैं ना, तो बेटा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मायोसाइट
या जिसको हम मायो फाइबर भी टर्म करते हैं, ठीक। मायो फाइबर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और बनाते हैं फैसिकल। और याद रखना इंडिविजुअल मायोसाइट के ऊपर क्या होता है, एंडोमाइसियम फैसिकल यानी बंडल, और हर बंडल के ऊपर आपके पास क्या होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेरी माइसियम। और खूब सारे बंडल मिलके क्या बना लेते हैं, मसल बना लेते हैं। क्लियर हो गया? उसी तरीके से पैरेलली यहाँ पे गेम चल रही है। इंडिविजुअल जो सेल है बेटा वो है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो सेल है उस न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग मिलती है एंडो न्यूरियम। और न्यूरॉन कंबाइन करके जो बंडल्स बनाते हैं, बंडल्स को हम कहते हैं फैसिकल। और फैसिकल होगा तो फैसिकल के ऊपर भी तो कवरिंग मिलेगी, इसको कहेंगे पेरी न्यूरियम। और इतने सारे फैसिकल मिलके अपने पास फाइनली क्या बना लेंगे, एक नर्व बना लेंगे। तो क्या आज आपको न्यूरॉन और नर्व के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? न्यूरॉन क्या होता है, नर्व क्या होता है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि आपको इफेक्टिवली अभी बात क्लियर होगी। न्यूरॉन क्या था, नर्व क्या थी, पकड़न। तो बेटा ये स्ट्रक्चर अपने पास एक नर्व का है। अगर आप एक नर्व में देखिए तो बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर में, दिस इज द कंप्लीट नर्व। नर्व के अंदर एक बंडल आपको ये दिख रहा है, दूसरा बंडल ये दिख रहा है, तीसरा बंडल ये दिख रहा है, तो ये बंडल है। और अगर मैं इस बंडल के बाहर की कवरिंग देखूं रेड कलर से, जो मैंने यहाँ पे आपको पेरीमाइसियम पेरीन्यूरियम लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो बंडल के बाहर की कवरिंग आपको पेरीन्यूरियम दिखाई दे रही है, इस पूरी मसल के बाहर की कवरिंग एपीन्यूरियम दिखाई दे रही है। अब बंडल मल्टीपल्स इस तरीके से सेल्स का बनाना चाहिए ना, तो देखो इंडिविजुअल सेल अपने को ये पूरा का पूरा एक दिखाई दे रहा है, क्या न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन माइलिन शीट थी, प्लस इसके न्यूरॉन के ऊपर एक और कवरिंग थी एंडो न्यूरियम। तो आपको क्या ये एक एक नर्व की अरेंजमेंट या नर्व एग्जैक्टली कैसा होता है अपने को क्लियर हो गया? नर्व में वैसे ही बेटा फैसिकल्स होते हैं जैसे अपने को मसल में देखने को मिले। तो जैसे अपन ने मसल का स्ट्रक्चर देखा वैसा सही स्ट्रक्चर अपना किसका होता है, यहाँ पे एक नर्व का स्ट्रक्चर होता है। फैसिकल्स दोनों तरफ मिलते हैं, किस तरीके से पूरी की पूरी कहानी होती है आपको क्लियर होता है। आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कवर किया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे, एनसीईआरटी से देखने आपको रिलाइज होगा यूनिपोलर, बाईपोलर, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, श्वान सेल्स, नोड्स ऑफ रैनवियर, मल्टीपोलर, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना है, सिनैप्टिक नॉब, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और फिर आगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे बढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स की जनरेशन कंडक्शन एग्जैक्टली क्या होती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंप्लीफाइड, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इनको हम देखेंगे और अपना काम चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, स्टेबल, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, फोड़ते रहो।